हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कशन करमर फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो मैंने दुईटा सेट तो मुझे प्लान अपलोड करीम बोली तो से अनुसार फास्ट सेट ही डिस्कशन वर्तमान मुझे आरंभ करुच्ची। ओके, जदि टाइम है मुझे गोटे सेट बनईदेवि, कितु आगे आम गोटे फास्ट सेट डिस्कशन करवा जोटा कि तुम करेन्ट सिलेबस स्ट्रक्चर अनुसार रिभाइज्ड सिलेबस स्ट्रक्चर अनुसार आउ क्वेश्चन पैटर्न अनुसार ही सेटटा। ओके, जो भी पिला पठे तो भल कथा मुझे डिस्कशन करदे, कि मो पाखे सफिशेंट टाइम थी मुझे जिनसटा कौन करें आउ टे आनालीसीस कर जिनसटा स्टडी करतापर जो भिडटा बन था मस्त होता तथा तो मुझे चेष्टा करुच्ची बेस्ट करने। ओके, देखा केतजूर आम मैंने स्कोर तुम मानक तुमको कमी पसंद आसूची। ओके, जहाँ भी हम फास्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। फास्ट क्वेश्चन रि कौन अच्छी ना तो हाँ आउ गोटे कथा, तुम्हें जी चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को भी लाइक कर और कमेंट भी पास कर तुम मानने आउ कौन दरकार तुम्हें सीना एनकरेज कले आम जी भी पढ़ाऊ थो सी सीना एनकरेज हम। ओके, तो खाली खाली गारे तुम्हें जो मोबाइल आगे बसिक पढ़ेगा कौन टिके कथा कि ओके टाइम भी दरकार सहित गला छाड़ा डिस्कशन करवा टाइम जाऊँ। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन वेरियस जॉब्स एंड पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, यार आंसर तले अच्छी मुँह भी देखिपार ना सब गुड़ाक आंसर ठीक से तुम्हें मैंने हूँ जदि कौन सी जगार किसी भी मानने प्रोब्लम है मत जन मैंने कमेन्ट लिख। ओके, कारण बहुत सारे क्वेश्चन कौन हो ना ये जो सेट गुड़ाक रोचे ता भितर मिस्टेक भी रोचे। ओके, तो तुम्हें मैंने से अनुसार मत भी कह तो ठीक करी बाय चांस रेयर केस गोटे दुईटा एमती गोटे सेट्रे एपट सेपट थे क्वेश्चन। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन, देखो फास्ट क्वेश्चन में जी तुम थी कौन कह ये जी लिखि था फ्यूचर प्लानिंग और फोरकास्ट एमती किसी मेनसन करता तो प्लानिंग होता आंसर ये खाली कही कौन ना द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन वेरियस जॉब्स ओके एंड पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज से आम सबुक ऑर्गेनाइजेशन आम ऑर्गेनाइजिंग करवाक बुझाऊँ तो ऑर्गेनाइजेशन हम ये आंसर ऑर्गेनाइजिंग। गुडविल इज एन एग्जांपल ऑफ गुडविलटा कह रोटे एग्जांपल इंटेंजिबल आसेट्स और ये बेले बेले क्वेश्चन रही थी फिक्स्ड एसेट। ओके, गला थर्ड क्वेश्चन कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टिकल एनालिसिस तो वर्टिकल एनालिसिस तुम आंसर तो ये तुम ये ऑप्शन जिते अच्छे भितर कौन हम कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ओके, देन नंबर फोर, नंबर फोर में कौन हम व्हिच रेशियो इज डिटरमाइनिंग ऑफ द एवरेज डेप्ट पेमेंट, एवरेज डेप्ट पेमेंट माने क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो विषय कहूँ जी एवरेज कलेक्शन होता है तो डेटर टर्नओवर रेशियो विषय आम बुझीता कि एवरेज डेप्ट पेमेंट लिखी तो ये कौन हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो विषय कहुच्छे व्हिच रेशियो इज आर अल्सो कॉल्ड द वेलोसिटी रेशियो। ओके, वेलोसिटी रेशियो अंडर में क्या रखिपर एक्टिविटी रेशियो को रखिपर। ओके, एक्टिविटी रेशियो को वेलोसिटी रेशियो भी कहते वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए टेक्निकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या भितर कौटा गोटे फाइनेंशियल टेक्निक्स मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो टेक्निक्स नुहे ऑब्वियसली पोजिशन स्टेटमेंट किसी नाला तो येगा के पोजिशन स्टेटमेंट तो बैलेंस सीटा बुझे गला वन ऑफ द लिक्विडिटी रेशियो या भितर कौटा गोटे लिक्विडिटी रेशियो ये जितना ऑप्शन अच्छी या भितर करेंट रेशियोटा ही लिक्विडिटी रेशियो हो पार। ओके, गला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन टिके शीघ्र शीघ्र मुझे कहूँ फिर भी द टू डिटरमिनेंट्स ऑफ करेंट रेशियो आर करेंट रेशियो जितने बाहर करुले करेंट आसेट करेंट लायबिलिटी दुटा को आम कंपेयर करुले दुटार प्रोपोर्शन बाहर करुले। ओके, करेंट आसेट करेंट लायबिलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड नॉर्म ऑफ क्विक रेशियो, क्विक रेशियो कथा कही क्विक रेशियो है नाइन आंसर कौन हम आंसर बी वन इज टू वन। ओके, वन इज टू वन करेंट रेशियो टू इज टू वन, टू इज टू वन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो एसेट, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी माने शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, शॉर्ट माने कैश एंड कैश इक्विवेलेंस शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज अंडर रे रहिबो। देन इलेवेन कौन हम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट रेशियो यदर किसी भावर ना द फुल फॉर्म ऑफ सेबी द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके चेक करिबो एटा टिके एंड रहुची कि नाही मजिरे किंतु मते लागुची एंड रहइबो एटा टिके चेक करिबो 12 नंबर टा कोजी टिके चेक कर दबो। ओके सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मते त लागुची एटा ठीक हबो किंतु फिर भी तमे चेक कर दबो टिके कारण सबुड ऑप्शन गोटे प्रकार अच्छे खाली जस्ट एंड से डिफरेंस अच्छे। ह्विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट हैव एनी यूनिफॉर्म प्रिंसिपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे किसी यूनिफॉर्म प्रिंसिपल नथिला। ओके प्रीपेड इंश्योरेंस इज ए कौन प्रीपेड इंश्योरेंस इज ए कौन हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके देन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेंट लायबिलिटीज या भितर कौटा हम करेंट लायबिलिटीज बिल्स पेएबलटा करेंट लायबिलिटी बिल्स रिसीवेबल है करेंट आसेट ये डिवेंचर है फिक्स लॉन्ग टर्म मॉर्गेज भी लॉन्ग टर्म तो बिल्स पेएबलटा होची करेंट लायबिलिटीज। ओके वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग या भितर कौटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग गोटे फंक्शन तो 16 रे आंसर कौन हम ये टू फैसिलिटेट कम्युनिकेट हाँ यहाँ टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इनफॉरमेशन। ओके व्हिच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट हैव एनी यूनिफॉर्म प्रिंसिपल। ओके यहाँ जाइलरेडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिटरमाइन द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग डिटरमाइन द लॉजिकल है कौन आसीज लॉजिकल सीक्वेंस एक्शन इन एडवांस यहाँ प्लानिंग हम। ओके 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 प्रॉफिट लॉस अकाउंट कारण लॉजिकल सीक्वेंस एडवांस लिखी ना तो एडवांस मैंने फोरकास्ट नेचर तो प्लानिंग हम सर। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज कौन प्रॉफिट लॉस अकाउंट तक आम कौन बोल आउ गए ना दूसरे ना इनकम स्टेटमेंट। ओके इनकम स्टेटमेंट बुझे ये कंपनी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंटा को आम इनकम स्टेटमेंट बोली कहते। ओके तो डिप्लेशन मेथड होची माइन्स डिप्लेशनटा डेप्रिसिएशन जो आमर सेटा होची कौन हुए माइन्स बोली तो माइन्स रेटा टर्मटा यूज हुए डिप्लेशन गुडविल एज एन एग्जांपल ऑफ ऑलरेडी जाइछि एटा गोटे इंटेंजिबल असेट्स अंडर रहिबो। ओके तापर प्रॉफिट लॉस अकाउंट शोज कौन नेट प्रॉफिट देखा जाए से नेट प्रॉफिट नेट लॉस एसेटेड स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी रेशियो रे तुम कौन हम लिक्विडिटी रेशियो कौन हम लिक्विडिटी रेशियो एटा टिके चेक कर लिक्विडिटी रेशियो रे मते लागु छी लिक्विडिटी और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी कोटा गोटे। ओके 1:2 रोला एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो खाली लिक्विडिटी बोली कहे एटी। ओके जहाँ भी हूँ तुम ये दुटा को चेक कर आंसर तो ये सी बुझे कितु तुम्हें चेक कर 1:2 मत लगुच टी चेक करदेव यटा को बुझे टी चेक यू करदेव कौ रेसीो बाहर करके लिक्विडिटी रेसीो बाहर करके तार चेक तार चेक करदेव मत लगुच 1:2 भी हो पाए। ओके कि गोटे पिला किए पठेला मुझे देखुरी से 1:1 लिखी तो मो बुक सब एपट सेपट करके लिखी जो थे कन्फ्यूज भी कर दूसरी बेले बेले। ओके जहाँ भी हम तुम यहाँ चेक कर। ओके मुझे कहीदेवनि डायरेक्ट तुम्हें चेक कर मत लगुच 1:2 हम कि तुम्हें कौन कर चेक करदेव बुझे करेंट रेसीो है 2:1 आउ क्विक रेसीो है 1:1 यहाँ मत लगुच 1:2। ओके 1:2। ओके देखीदेव टी प्रीपेड इन्सुरांस प्रीपेड इन्सुरांस इज ए प्रीपेड इन्सुरांस हूँ गोटे करेंट आसेट सरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनाल अकाउंट। ओके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनाल अकाउंट। ओके ऑप्शन रे रहिले माने से असुविधा हुए बेले बेले कैपिटल अकाउंट या भितर कौटा कैपिटल अकाउंटा तुम आंसर तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनाल अकाउंट फिर भी ये तुम्हें टी मैंने डाउट रखिपार बुझे मैंने कन्फ्यूजन अच्छे एटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनाल खाली कैपिटल लिखी ना कैपिटलटा हूँ गोटे पर्सनाल अकाउंट बोली धरा जाए कि तुम्हें हूँ ताको रिप्रेजेंटेटिव तुम फर्स्ट ईयर प्लस टू फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग रे देखी पार जे कैपिटलटा हूँ तुम कि अकाउंट अंडर रे रहिबो। ओके कैपिटल अकाउंट मत कहीं लगुनि रिप्रेजेंटेटिव ना यहाँ नेचुरल पर्सनाल बोली तुम्हें मारिक आसो है जब परीक्षा पड़ा तुम्हें नेचुरल ही मारिक आसो बुझे नेचुरल पर्सनाल अकाउंट। ओके नेचुरल पर्सनाल अकाउंट। ओके कैपिटल अकाउंट्स को तुम्हें नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोली मारिकी आसब। ओके द लायबिलिटी अनसर्टन अमाउंट डिस्चार्ज विदिन वन ईयर विदिन वन ईयर भितर है कौन हम अनसर्टन लिखी तेल प्रोविजन हम यहाँ। ओके अनसर्टन है प्रोविजन खाली जाइए देखते जोटा किसी भी लायबिलिटी आम विदिन वन ईयर भितर डिस्चार्ज होबार अच्छे से करेंट लायबिलिटीज कि लिखी अनसर्टन अमाउंट तो प्रोविजन यहाँ। ओके ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्टिशियस एसेट फिक्टिशियस एसेट या भितर कौटा हो पार डिवेंचर डिस्काउंट डिवेंचर इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट ट्रेड डिस्काउंट तो नुहे कैश डिस्काउंट तो नुहे एटा फिक्टिशियस एसेट माने डिवेंचर डिस्काउंट। ओके हाउ मेनी कॉलम्स आर जनरली देयर इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट रे केतटा कॉलम थिला
एटी फाइव टा थिला तुम्हें भी एक गणी दबो हैला ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिकल एनालिसिस या भितर कोटा गोटे वर्टिकल एनालिसिस ओके नाइन रा आंसर कौन हम तो नाइन रा आंसर ये सी हम कमन सब ये आगुरी गोटे क्वेश्चन ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आम कौन बोली कहते इंटरिम रिपोर्ट फाइनाल रिपोर्ट फाइनाल रिपोर्ट ओके फाइनाल रिपोर्ट इफ कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एति एटा प्रॉब्लम डा क्वेश्चन तुम्हें को सॉल्व कर मुझे डिस्कशन करूनी तुम बेबी परीक्षा एथरक आसवन ये टाइप क्वेश्चन ओके वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो अरे वन ऑफ द लिक्विडिटी रेशियो ओके लिक्विडिटी रेशियो या भितर कौटा करंट रेशियो ओके करंट रेशियो या भितर तो गोटे ही अच्छे इन्वेंटरी जाना इन्वेंटरीटा गोटे कौन इन्वेंटरीटा गोटे हूँ करंट आसेट करंट आसेट ओके 13 रा आंसर कौन हम बी हम करंट आसेट ओके द रेशियो व्हिच आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंटरिम कंपेरिजन हेले तुम हम 14 रा आंसर ये कौन हम प्राइमरी रिपोर्ट हम ओके प्राइमरी गला तापर 15 व्हिच रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एट एसिड टेस्ट रेशियो जोटा से क्विक रेशियो मैंने तुम से कौन हम ये कौन अच्छे ऑप्शन करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो ओके तो 15 रे आंसर ये कौन हम बी हम लिक्विडिटी रेशियो व्हिच रेशियो इज डिटरमाइनिंग व्हिच रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशियो जोटा से तुम कौन एसिड टेस्ट होगा मानने तुम आसीजो एसिड टेस्ट मैंने करेन्ट रेसीो लिक्विडिटी रेसीो आब्सुलेट लिक्विडिटी रेसीो एट क्विक रेसीो एसिड टेस्ट रेसीो चेक कर चेक कर मोर मन पड़नी कारण बहुत दिन है रेसीो एनालीसीस पढ़ाई तो लिक्विडिटी रेसीो और कौन हम एटा क्विक रेसीो तो या भितर मोर कन्फ्यूजन अच्छे किंतु एठी तुम आंसर हूँ बी ओके बी तो गला व्हिच रे जोड़ा कौच से चेक करदेव कारण मुझे को मैंने प्रिपेरेसन है डायरेक्ट पढ़े दूची तो तेणुक तुम्हें मत खराब भावनी जे कई भी टीचर हेले जी डायरेक्टली डिस्कशन न मैंने किसी देखनी आगुरी जब एम डायरेक्ट पढ़ेब जेहतु टाइम सर्टेज जो तुम्हें किसी हेल्प मैंने खाली करने मुझे जिन करुच्ची व्हिच रेसीो इज डिटरमिनेंट्स ऑफ द आवरेज डेप्ट पेमेंट पीरियड डेप्ट मैंने तो क्रेडिट और टर्नओवर रेशियो ना जा व्हाट इज द कन्वेंशनल नॉर्म ऑफ इंटरबैंक डेप्ट इक्विटी रेशियो मैंने कौन आसो 17 रा आंसर ये कौन हम सी हम 1:2 ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो नेटवर्थ कौन नेटवर्थ इक्वल टू क्या सहित सामान 19 रा आंसर ये हम नेट आसेट माइनस आउटसाइडर क्लेम्स ओके गला तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड ओनर पर जो रोए से ईएटी मुझे आगे कहीदे देख आमर जो सेल्स है सेल्स नेट प्रॉफिट आम बाहर करते ना नेट प्रॉफिट ओके नेट प्रॉफिट आम बाहर करते तुम्हें देखी थो नेट जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रु सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जहाँ भी माइनस है तुम आसाला कौन ईबीआईटी आसाला ओके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तुम्हें जाच कौन नेट प्रॉफिट से ईबीआईटीटा ओके तो ईबीआईटी तुम हूँ कौन माइनस हम इंटरेस्ट माइनस हम ओके इंटरेस्ट माइनस है डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देलापर देन तुम टैक्स पेमेंट हम टैक्स पेमेंट है जो रही से तुम ईएटी ओके कौन हम ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स ओके अर्निंग आफ्टर टैक्स रूपर तुम प्रिफरेन्स डिविडेंड में भी दि जाए और ना कौन हम तुम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाहर अर्निंग पर शेयर ओके अर्निंग पर शेयर भी तुम क्वेश्चन में आसी पारे ओके तो ये है तुम तेल बी हम ये आंसर तापर नेक्स्ट कौन अच्छी ग्रुप बी टू मार्क्स क्वेश्चन केजी देखा फिनान्सील आकाउंटिंग इंपोर्टाट पड़पे डायरेक्टिंगटा एत इंपोर्टाट ये नुहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एत इंपोर्टाट ये नुहे ह्वाट इज इंटांजिबल फिक्स्ड एसेट ये इंपोर्टाट रोज ह्वाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ करंट रेशियो ये पड़ार चांसेस अच्छी ह्वाट इज लिक्विडिटी रेशियो ये भी पड़ार चांसेस अच्छी ह्वाट डू मीन बाय फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशियो ये इंपोर्टाट नुहे ओके ह्वाट इज डेट टर्नओवर रेशियो ये बहुत इंपोर्टाट ओके गला तापर थ्री मार्क क्वेश्चन रे कौन अच्छी राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये को पढ़ी दबो भलसे आउ पारिबो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बेसी इंपोर्टेंट ओके एको तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी तो पढ़ी पारे बुझे हो तापर नेक्स्ट नेक्स्ट कौन अच्छी बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी किसी कष्ट नहीं राइट दिज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग राइट
थ्री फंक्शन ये भी बहुत इंपोर्टेंट। ओके व्हाट इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज कंपैरेटिव दुटा जाक भलसे पढ़ तार प्रॉब्लम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। ओके तादर प्रॉब्लम क्वेश्चन भी आसो। तो राइट ए नोट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन ता विषय गोटे नोट लिख भलसे लिख कि असुविधा नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो ता अंडर सब रहुतला भलसे पढ़ी जीव टे लिखिदेव। राइट एन थ्री ये सब इंपोर्टेंट रहा। राइट एन थ्री एडवांटेज सब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ओके ये भी इंपोर्टेंट। राइट थ्री लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, ये भी इंपोर्टेंट किसी असुविधा ना। व्हाट डू मीन बाय अर्निंग पर शेयर, एवं जस्ट कहती जो ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके व्हाट इज कॉल्ड इन एडवांस, व्हाट इज कॉल्ड इन एडवांस येटा इंपोर्टेंट नुहे। ओके गला तापर डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चन कौन पड़ी, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच कैन बी अचीव्ड बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एत इंपोर्टेंट नुहे किंतु तुम्हें यार स्कोप नेचर एडा टिके भलसे पढ़ी जीव माने जहाँ भी अच्छे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके ऑब्जेक्टिव्स एडा टिके पढ़ी जीव फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ सहित ऑब्जेक्टिवटा भी पढ़ी जीव। कैलकुलेटेड ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर सेल्स एंड प्रॉफिट एला एति ट्रेंड परसेंटेज कोई तापर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत इंपोर्टेंट एक भलसे पढ़ क्वेश्चन नंबर सेवेन बहुत इंपोर्टेंट। ओ व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंट डिफरेंट, हाँ ये भी बहुत इंपोर्टेंट एटा तो ऑलरेडी मुझे परीक्षा पढ़ बोली। फ्रॉम द फॉलोइंग इनफ्रो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये थरक वर्किंग कैपिटल तुम सिलेबस एथर ना या बदल में अलग क्वेश्चन तुम आसो। ओके वर्किंग कैपिटल एंड एंटरप्राइज ये परीक्षा पड़ोनी तुम माने प्रॉब्लम तो आसो रेसीयर कि ये टाइप प्रॉब्लम पड़ोनी। डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बहुत इंपोर्टेंट। ओके बहुत इंपोर्टेंट फंक्शन बहुत इंपोर्टेंट गला तापर थ्योरी गुड़ाक बुझे इटी तुम आराम से पढ़ी दे पार। ओके ये गला सेट कौन सेट वन आंसर तापर सेट टू, सेट टू रे किसी क्वेश्चन आम डिस्कसन करदे गोटे थर सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स रियलाइज नथिंग ड्यूरिंग द वाइंडिंग ऑफ द बिजनेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स रिलीज नथिंग ड्यूरिंग द वाइंडिंग ऑफ द गला फिक्टिशियस एसेट जो बिजनेस भांगी जाए वाइंडिंग मैंने भांगी देवा वाइंडिंग ऑफ मीन्स बिजनेस को क्लोज करदे भांगी देवा कंपनी कथा कहा कंपनी को वाउंड अप कराए तो ये कौन हम फिक्टिशियस एसेट रु तुमको मैंने कंपनी को किसी मिल ना। ओके ताले तेणुकरी ये हला फास्टा कौन है तुम्हारे हला बी हला आंसर। ओके देन सेकंड क्वेश्चन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी नोन फ्रॉम इट्स कौन टूर आंसर कौन हम टूर आंसर बी हम बालान्स सीट फाइनेंशियल पोजीशन माने बालान्स सीट रु परफॉर्मेंस होते इनकम स्टेटमेंट रु पाई पीएल स्टेटमेंट रु। व्हाट डज द डेटर टर्नओवर रेशियो डिस्क्लोज, डेटर टर्नओवर रेशियो रु आम कौन पाती कौन डिस्क्लोज करे सीटा ना हूँ रैपिडिटी इन डेप्ट कलेक्शन। ओके डेप्ट कलेक्शन इनफॉर्मेशन आम मिले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लिक्विड एसेट या भितर कौटा कैश इन हैंड कैश एट बैंक मार्केटेबल सिक्युरिटीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, ये तो सब लिक्विड एसेट किंतु या भितर मोस्ट कौटा ऑब्वियसली तुम पाखर जोटा अच्छी। ओके फोर फोर ए कैश आम ये सब गुड़ा भी इम्पोर्ट मैं लिक्विड पूरा हाईली लिक्विड किंतु या भितर सबुठ मोस्ट बोली कहले ताले कैश। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ करंट रेशियो, करंट रेशियो डिटरमिनेंट्स बेले आम करंट एसेट करंट लायबिलिटी कंसीडर करुथले। ओके फाइव रो आंसर कौन हम ए ट्रेडमार्क कौन ट्रेडमार्क गोटे हूँ तुम इंटांजिबल आसेट्स, इंटांजिबल आसेट्स इंटांजिबल फिक्स्ड एसेट व्हिच वन फॉलोइंग व्हिच रेशियो इज कॉल्ड द एसिडिटी टेस्ट रेशियो कौटा मैंने व्हिच वन रेशियो कौ रेशियो को आम एसिड टेस्ट बोली कहते सेवेन आंसर बी लिक्विडिटी रेशियो को एसिड रेशियो बोली कहते हैं क्वेश्चन सहित थिला। ओके देन बिल्स रिसीवेबल इज ए करेन्ट आसेट। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग इनकम या भितर कौटा इंटरेस्ट रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग ट्रेडिंग इनकम मैंने गुड्स सोल्ड जोटा है। ओके गुड्स जोटा सोल्ड है जो बिजनेस करूँ जो किसी इनकम है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके टेन आंसर अच्छे बी हम यहाँ पड़ा है तापर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री रिभाइज इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कौ इयर ये परीक्षा पड़ोनी है इयर रु क्वेश्चन आसवनी। ओके देन नेक्स्ट व्हाट इज द बेस ऑफ कैलकुलेटिंग जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कोटा को आम बेस नियंती नेट सेल्स। ओके नेट सेल्स तेल 12 रो आंसर एटी कौन हम बी हम नेट सेल्स, नेट सेल्स सेटा सब बेस रुए।
ओके ह्विच वन अफ द फलोइंग इज द स्टैंडर्ड नॉर्म ऑफ इंटरव्यू क्विक रेशियो। क्विक रेशियो स्टैंडर्ड नॉर्म मैं थम ऑफ इंप्रेशन और आइडियल रेशियोटा कौन 13 13 र आंसर बी 1:2 ऑलरेडी आम जानते क्विक रेशियो यहाँ हूँ तार करेंट रेशियो 2:1 ह्विच रेशियो जो कॉल्ड द एसिड टेस्ट रेशियो ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी क्वेश्चन 14 र आंसर बी हम लिक्विड रेशियो द एनालिसिस ह्विच कंसर्न विथ द डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एज वेल एज द परसेंटेज चेंजेस इन वेरियस अकाउंटिंग आइटम्स इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज तेल 15 र आंसर कौन हम ए हम कंपेरेटिव कंपेरेटिव कमन साइज दुटा जाकर प्रॉब्लम क्वेश्चन कंपेरेटिव फ्रॉम बैलेंस शीट कंपेरेटिव फ्रॉम पीएल स्टेटमेंट दुटा जाक भलसे प्राक्ट करके कंपेरेटिव हो कमन साइज हो द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनक्लूड्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन कौन इनक्लूड रोते इनक्लूड्स रोचे 16 र आंसर कौन हम डी हम ऑल ऑफ द अबव कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सबूगुड़ा को लेकिन आम मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेरेशन कर द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन बिटवीन वेरियस जॉब्स एंड पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड तो 17 र आंसर कौन हम बी हम ऑर्गेनाइजिंग ओके तो यहाँ थी ऑलरेडी से फर्स्ट रे द डिसीजन टेकन डेलिबरेटली फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज सेटा कौ डिसीजन 18 र आंसर कौन हम एटी 18 र आंसर बी हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन डेलिबरेटली फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज ओके जनरली ये लॉन्ग टर्म भी होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट आम कौपाई प्रिपेरेसन करुँच सिंपल कौन जानापी 19 र आंसर ए टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस तापर आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज ए कौन आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ओके गला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन टू द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज ए फिक्टिशियस एसेट ओके प्रिलिमिनरी डेफर्ड जाए सब फिक्टिशियस एसेट देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आम कौन बोली कहते तो टू आंसर कौन हम टू आंसर ए हम इंटरियम रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड इंटरियम रिपोर्ट ओके टू गला तापर वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या भितर कौटा नुहे पोजिशन स्टेटमेंटा नुहे ये तीनटा जाक रोक ओके देन गुडविल इज एग्जांपल ऑफ कौन इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स गोटे मिनट ये तो गला ना ये सेटा जा सेट रिपीटेड क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे ओके सेट जोटा पड़ी सेट वन तुम सेट टू रे भी से क्वेश्चन प्राय सब अच्छे बुझे तेणुक से टू को डिस्कसन करा कि फायदा ही ना तुम्हें गोटे सेट ही करके जाओ ओके देख कौन हो गए सेट करके जाओ आज बुक रे जो क्वेश्चन अच्छे टे प्राक्ट करदेव आ लास्ट में जी तुमको सजेसन देवी कौन कह कंपेरेटिव कमन साइज को भलसे प्रिपेरेसन मोर सिलेक्शन को भलसे पढ़ देखिए सिलेक्शन जोटा दे तार भितर ही पड़ो नो डाउट मत लगुच तार भितर सब आसीज तुम्हें लंग क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स जोड़ा कहे टे देखीदेव तापर देखा कौन हो भल मो सिलेक्शन देख पढ़ पलि जाओ मत लगुच ओके आ वीडियो को लाइक कर शेयर कर कमेंट कर थैंक यू।